नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, प्रधानमंत्री सुबह मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल टीकों का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। देश में अब तक 27,62,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। कर्नाटक ने कोविड प्रतिबंधों में ढील दी, कल से दुकानें और होटल भी खुलेंगे। तेलंगाना ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए पूर्ण रूप से लॉकडाउन हटाया। उत्तर प्रदेश सरकार आज से निर्धनों और प्रवासी कामगारों को 3 महीने के लिए निःशुल्क राशन आवंटन का कार्य शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उड़ी इलाके में नार्को आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया। इस संबंध में 10 लोग गिरफ्तार। स्नेह राणा और तानिया भाटिया के शानदार खेल के कारण भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म हुआ। और यूरो कप फुटबॉल में कल रात जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-2 से हराया। स्पेन और पोलैंड के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। केंद्र ने बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 14 नेताओं को आमंत्रित किया है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात की और उन्हें प्रदेश के भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। ये बैठक प्रधानमंत्री निवास पर होगी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री वहां के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में आमंत्रित नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। कांग्रेस नेता ताराचंद, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग तथा भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता बैठक में आमंत्रित नेताओं में शामिल हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख जीए मीर, भाजपा के रविन्द्र रैना और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है यह बैठक जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रियाएं मजबूत करने की केंद्र की पहल का हिस्सा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सुरक्षा संबंधी मामलों से जुड़े अन्य प्रमुख अधिकारियों ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से विकास मेहरोत्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा महीने में एक बार जिला विकास परिषद, प्रखंड विकास परिषद के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुशासन सुनिश्चित करना और लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी मजबूत करना है। सरकार की इस पहल से चुने गए प्रतिनिधियों के लिए लोगों की आवाज उठाने और सभी का समान विकास सुनिश्चित करने का मंच तैयार होगा। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन सही मायने में प्रदेश में पंचायती राज को और अधिक जीवंत संस्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर पंचायती राज संस्थानों से फीडबैक लेना, जमीनी सत्र पर कार्यों का निष्पादन और उनके संबंधित मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना इस मासिक संवाद के कुछ प्रमुख पहलू हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग हर महीने एक बार डीडीसी
सहित पंचायती राज संस्थानों के सभी तीन सत्रों के साथ उपराज्यपाल की बातचीत के लिए एक तंत्र तैयार करेगा। श्री सिन्हा ने उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि उचित प्रोटोकॉल के अनुसार हर सरकारी समारोह में अभिन्न हिस्सा बनने के साथ साथ विकास परियोजनाओं व कार्यान्वयन के हर चरण में शामिल हों। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उड़ी इलाके में नार्को आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया है। इस दौरान पुलिस ने हेरोइन और बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किया। इस संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रईस मोहम्मद भट्ट ने बताया कि इनके पास से 4 पिस्तौल, 10 हथगोले सहित 21 लाख रूपये नकद, 45 करोड़ रूपये मूल्य की 9 किलोग्राम हेरोइन के साथ 4 गाड़ियां भी मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम टेलीविजन पर होगा। ये कार्यक्रम सुबह 6:30 पर दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित होगा। कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से योग का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। देश विदेश के लाखों योग प्रेमी योग अपना चुके हैं और अपने घरों में सुरक्षित तरीके से योग कर रहे हैं। जिन लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल में अपने प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन्हें दूरदर्शन पर योग के लाइव कार्यक्रम को देखने और उसका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। योगासनों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जो सुबह 7 बजे से 7:45 तक चलेगा। इसके बाद 15 आध्यात्मिक और योग गुरुओं की ओर से संदेश दिए जाएंगे, जिनमें गुरुदेव श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, डॉ एचआर नगेंद्र, कमलेश पटेल, डॉ वीरेंद्र हेगड़े, डॉ हंसाजी जयदेव, ओपी तिवारी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, डॉ चिन्मय पंड्या, मुनि श्री सागर महाराज, स्वामी भारत भूषण, डॉ विश्वास मांडलिक, सिस्टर बी के शिवानी, एस श्रीधरन और सुश्री एंटोनेट रोजी शामिल हैं। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य समेत सर्वांगीण विकास के लिए योग की भूमिका को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय स्वास्थ्य के लिए योग है। इस अवसर पर लगभग 1000 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर मंत्रालय ने डिजिटल तरीके से अन्य गतिविधियां शुरू की हैं, जिनके जरिए महामारी की पाबंदियों के बावजूद आम लोगों तक योग की पहुंच हो सके। विदेशों में भारतीय दूतावासों और अन्य संस्थाओं की ओर से कल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार योग दिवस विश्व के 190 देशों में मनाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन की 75% डोज निशुल्क देना आरंभ करेगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। अभी तक केंद्र की ओर से वैक्सीन के 50% टीकों की खरीद की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार इसका सारा खर्च वहन करेगी। एक आकलन के अनुसार नई नीति के तहत केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहले से आवंटित 35,000 करोड़ रुपये के अलावा
15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी, ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो सके। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देशभर में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए कल से राष्ट्रव्यापी अभियान जान है तो जहान है शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीकाकरण के बारे में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना और शंकाओं का निवारण करना है। श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठन, गैर सरकारी संस्था और महिला स्व सहायता समूहों के साथ इस जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। देश में अब तक 27,62,00,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल टीकाकरण अभियान के 155वें दिन 33,72,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। उनमें से लगभग 29,00,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 4,71,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को टीके की 5,50,00,000 डोज दी गई हैं। उनमें से लगभग 20,50,000 लोगों को कल पहली डोज दी गई, जबकि 78,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय के अनुसार असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10,00,000 से अधिक लोग पहले ही टीके की पहली डोज ले चुके हैं। अब तक देश में 22,52,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी गई, जबकि 5,09,00,000 लोग दोनों डोज ले चुके हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1457। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां इतनी संख्या में कोविड की जांच की गई है। राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी के बावजूद राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग 3,00,000 जांच करा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के महज 294 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 2,73,000 से अधिक जांचें की गईं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में अधिकतम कोविड जांचें की जा रही हैं और अब तक हुए 5.5 करोड़ से ज्यादा कोविड परीक्षणों में से लगभग 65% ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,000 से भी कम हो गई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि अब से सिर्फ उन जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू से छूट मिलेगी जहां कोरोना के कुल सक्रिय मामले 500 से कम रहेंगे। पहले यह सीमा 600 थी। राज्य में इस समय किसी भी जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू नहीं है। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत का कर्फ्यू पहले की तरह जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में अब तक 1,32,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। राज्य सरकार अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। औरंगाबाद जिले के जाने माने सूफी संत असगर इनाम कादरी ने लोगों से बिना किसी भय के टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी, तरह तरह की परेशानियां होंगी, ये सब गलत बातें हैं। दुनिया के सारे लोग मर जाएंगे तो फिर रहेगा कौन? ये किसी की साजिश नहीं है। वैक्सीन तमाम मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को लगवाना चाहिए। औरंगाबाद जिले की ही कलामी क्षेत्र की निवासी मसूदा खातून ने कहा कि टीका लगाए जाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई।
हम लोग ने वैक्सीन ले लिया है और वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबको वैक्सीन लेना चाहिए। तो मेरे परिवार ने भी वैक्सीन लिया है, उससे किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सभी के लिए है वैक्सीन, सबको लेना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप लोग वैक्सीन ले लें। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। व्यापक टीकाकरण के लिए राज्य में 7,000 केंद्रों की स्थापना की जाएगी और 21 जून को 14 लाख टीके उपलब्ध होंगे। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को टीकाकरण महाभियान में प्रदेश सरकार ने 10 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी है कि राज्य में वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाई गई है। अगले 10 दिनों तक राज्य को 50 लाख टीके मिलेंगे। वायरस के नए रूप को लेकर भी राज्य सरकार सतर्क है। प्रदेश में 112 ऑक्सीजन संयंत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 15 अगस्त तक लगभग सभी प्लांट काम करने लगेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 228 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि फरवरी के बाद से सबसे कम है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह 97.98% हो गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा जैसे राज्य के चार महानगरों में 50 से भी कम दैनिक मामले दर्ज हुए। कल पूरे राज्य में 874 दर्दी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके। वर्तमान में कोविड के 6,500 सक्रिय मामले हैं। तो दूसरी तरफ राज्य में कोविड के खिलाफ टीकाकरण पूरे जोश में चल रहा है। कल पूरे दिन में तकरीबन 3,24,000 से अधिक टीके लगवाए गए। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में शीघ्र ही 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। अब तक 96,77,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पिछले 18 दिनों से राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की लगभग 18 लाख डोज दी गई है। राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किए जाने की भी व्यवस्था की गई है और सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से वैक्सीन की बढ़ी डोज मिलने के बाद टीका लगाने वालों की संख्या आगामी दिनों में बढ़ जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने 5% से कम संक्रमण के 16 जिलों में लॉकडाउन नियमों में छूट देने की घोषणा की है। ये छूट कल से लागू होंगी और 5 जुलाई तक जारी रहेंगी। कर्नाटक में 5% से अधिक संक्रमण वाले शेष 14 जिलों में लॉकडाउन नियम पहले की ही तरह लागू रहेंगे। एक रिपोर्ट। तांत्रिक सलाह समिति के सलाह पर बेंगलुरु अर्बन, यादगिरी, बीदर, कलबुर्गी, बेलगावी, मंडिया, कोप्पल, चिकबल्लापुरा, कोलार, गदग, रायचूर, बागलकोटे और तुमकुरु जिलों में लॉकडाउन से कुछ राहत दी गई है। सभी दुकानें और दफ्तर शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। बस और मेट्रो रेल की सुविधा आरंभ होगी। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक पार्क खुले रहेंगे। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, लॉज और रिजॉर्ट्स एसी के बगैर केवल 50% तक ग्राहक को सेवा उपलब्ध करवाने की छूट दी गई है। फिल्म शूटिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स की अनुमति दी गई है। शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तेलंगाना सरकार ने आज से लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। राज्य में कोविड संक्रमण दर कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया। सरकार ने सभी क्षेत्रों को खोलने और सभी पाबंदियों को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने लोगों से कोविड संबंधी उचित नियमों के पालन की अपील की है, जिनमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना और भीड़भाड़ से दूर रहना शामिल है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कल सुबह मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल टीकों का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। देश में अब तक 27,62,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। कर्नाटक ने कोविड प्रतिबंधों में ढील दी। कल से दुकानें और होटल भी खुलेंगे। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए पूर्ण रूप से लॉकडाउन हटाया। उत्तर प्रदेश सरकार आज से निर्धनों और प्रवासी कामगारों को 3 महीने के लिए निःशुल्क राशन आवंटन का कार्य शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में नार्को आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया। इस संबंध में 10 लोग गिरफ्तार। स्नेह राणा और तानिया भाटिया के शानदार खेल के कारण भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म हुआ और यूरोकप फुटबॉल में कल रात जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-2 से हराया। स्पेन और पोलैंड के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लगभग 15 करोड़ लोगों को आज से निशुल्क राशन वितरण कार्य शुरू करेगी। इसके अंतर्गत राज्य सरकार जुलाई और अगस्त महीने के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराएगी। सरकार राज्य के लगभग 80,000 राशन की दुकानों से अंत्योदय और पात्र परिवारों के राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरित करेगी। राशन वितरण का काम इस महीने के अंत तक होगा। सरकार लाभार्थियों को कम दाम पर चीनी भी उपलब्ध कराएगी। राशन वितरण का यह कार्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले राशन के अलावा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण दीपावली तक जारी रहेगा, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को एक महीने में 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत ने कल दूसरी पारी में 8 विकेट पर 344 रन बनाए। भारत की ओर से अपना पहला मैच खेल रही स्नेह राणा ने नाबाद 80 रन का योगदान दिया। स्नेह ने इस मैच में 4 विकेट भी हासिल किए। एक ही पारी में 4 विकेट और अर्धशतक बनाने वाले वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। शेफाली वर्मा ने इस मैच में 96 और 63 रनों की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दूसरे दिन कल खराब रोशनी के कारण 64 ओवर और 4 गेंद का ही खेल हो सका। खराब रोशनी के कारण मैच को कई बार रोकना पड़ा। बारिश होने से पहले दिन का खेल रद्द हो गया था। यूरो कप फुटबॉल में कल रात ग्रुप एफ के एक मैच में जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-2 से पराजित किया। जर्मनी 2 मैचों में 1 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है और उसके 3 अंक हैं। पुर्तगाल के भी 2 मैचों में 3 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के कारण वो तीसरे स्थान पर है। 4 अंकों के साथ फ्रांस ग्रुप एफ में शीर्ष पर है। अगले मैच में जर्मनी का मुकाबला हंगरी से होगा। वहीं वर्तमान चैंपियन पुर्तगाल का सामना 2018 के विश्व चैंपियन फ्रांस से होगा। ग्रुप ई में स्पेन और पोलैंड के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मैच ड्रॉ होने से पोलैंड की अगले दौर में पहुंचने की संभावनाएं अब भी बरकरार हैं। तालिका में 2 अंकों के साथ स्पेन अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर है। पोलैंड 1 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में 34 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार की विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिक्किम के सुप्रसिद्ध तीरंदाज तरुणदीप रॉय की। 22 फरवरी 1984 को जन्मे तरुणदीप राय ने पिछले 18 सालों में भारतीय तीरंदाजी में एक खास मुकाम हासिल किया है। नीदरलैंड्स में हुए 2019 विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया। इसी चैंपियनशिप में तरुणदीप राय, अतानु दास और प्रवीण जाधव की टिकड़ी ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इन तीनों तीरंदाजों ने टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। तरुणदीप 2005 में मैड्रिड में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। चीन में 2010 एशियाई खेलों में तरुणदीप रजत पदक जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज बने। 2004 में एथेंस, 2012 में लंदन ओलंपिक के बाद अब तरुणदीप का ये तीसरा ओलंपिक होगा। तीरंदाजी में विशेष योगदान के लिए तरुणदीप को 2020 में पद्मश्री और 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में तरुणदीप के शानदार प्रदर्शन के लिए पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। लद्दाख के द्रास में लोगों का पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन इन दिनों यहां पशुओं में मुंहपका खुरपका बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लद्दाख प्रशासन ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। एक रिपोर्ट। द्रास के बोटोकुल क्षेत्र में हाल ही में पैर और मुंह की बीमारी के संदिग्ध मामलों के फैलने पर यूटी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लद्दाख पशुपालन निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने डॉक्टरों और पैरा वेटरनरी स्टाफ के एक टीम के साथ स्थिति का जायजा लेने और
प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉक्टर रजा ने कहा कि ये देखा गया है कि ये बीमारी बकरवालों के प्रवासी जानवरों से हो सकती है और ग्रामीणों को अपने जानवरों को प्रवासी जानवरों से दूर रखने की सलाह दी गई है। यहाँ पे हमने एक स्टेशनरी का एक कैंप यहाँ पे रखा है इसी इलाके में ही बोटोकल के बीच में, जहाँ पे हमारा स्टाफ तैनात रहेगा 24 घंटे, तो इस हालात पे नजर रखेगा। तो ये लोग, एक डॉक्टर होगा उसमें और पैरामेडिक्स जितने भी हैं वो सब यहाँ पे इस पे नजर रखे हुए सिचुएशन पे जी। डॉक्टर रजा ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस बीमारी को रोकने के लिए अपने पशुओं की देखभाल करें, क्योंकि द्रास के किसानों की पूरी आजीविका पशुधन पर निर्भर है। आकाशवाणी समाचार के लिए करगिल से मैं अनायत अली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका अखबारों ने कोविड संबंधी व्यवहार, जांच, निगरानी, इलाज और टीकाकरण का कड़ाई से पालन करने के निर्देशों को मुखपृष्ठ पर अलग अलग शीर्षक से दिया है। राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी है, अनलॉक में बरते सावधानी, केंद्र ने राज्यों को नसीहत दी। अखबार ने बड़े अक्षरों में लिखा है तीसरी लहर 6 से 8 सप्ताह में। राजस्थान पत्रिका ने भी बड़े अक्षरों में लिखा है हम नहीं सुधर रहे, 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। हिंदुस्तान लिखता है केंद्र का निर्देश, महामारी एक्ट में डॉक्टरों पर हमला करने वालों को बख्शे नहीं, राज्य केस दर्ज करें। हरिभूमि की पहली सुर्खी है कोरोना काल में घर पर ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों को तनाव मुक्त रखने के गुर सिखाए माता पिता। लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में वार्ता करने को अहमियत दी है। अखबारों ने कल चंडीगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के अंतिम संस्कार के समाचार को चित्र के साथ दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने एयरफोर्स अकादमी की पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेटों के मुस्कुराते चित्र के साथ लिखा है वायुसेना में 2022 तक 36 राफेल शामिल करने का लक्ष्य। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर विशेष आलेख में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से दुनिया को नई राह दिखाने के लिए मशहूर चमोली के रैनी गांव के वजूद पर पैदा हुए संकट की चर्चा की है। अखबार लिखता है भूस्खलन से नष्ट हुए गौरा देवी स्मारक से प्रतिमा हटी तो लोग रो पड़े, लगभग 2500 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गौरा देवी स्वयं अपनी साथी महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, प्रधानमंत्री सवेरे मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल टीकों का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। देश में अब तक 27,62,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। कर्नाटक ने कोविड प्रतिबंधों में ढील दी, कल से दुकानें और होटल भी खुलेंगे। तेलंगाना ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए पूर्ण रूप से लॉकडाउन हटाया। उत्तर प्रदेश सरकार आज से निर्धनों और प्रवासी कामगारों को 3 महीने के लिए निःशुल्क राशन आवंटन का काम शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उड़ी इलाके में नार्को आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया, इस संबंध में 10 लोग गिरफ्तार। और स्नेह राणा और तानिया भाटिया के शानदार खेल के कारण भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।